Hello students, I am Digvijay Singh. I am again in front of you. Today also few more questions of class 10th topic. The chapter is appear of an equation in two variable. In previous video, I have talked about a lot of things, a lot of questions, and a lot of chapters taught by me, just like real numbers, polynomials, appear of an equation in two variable, quadratic equations, and trigonometry. And for practice, I will solve few more questions. Today, I will solve again few questions, and then next video, I will solve the next exercise. Just like that, quadratic equations I will start. Okay? देखते हैं questions को. तो linear pair equation जो हमने बताया था, pair linear equation, तो इसके बारे में सारी चीज मैंने detail clear कर दी थी कि होता क्या है. अब हमें एक और problem solve करना है. ज्यादा से ज्यादा problem अगर आप solve करेंगे, then he or she for best. तब उसके लिए बेस्ट होगा. क्यों बेस्ट होगा? क्योंकि प्रैक्टिस की बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है. जैसे एक क्वेश्चन है कि एबीसीडी का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, दैट इज द साइन शॉर्ट फॉर्म में, फाइंड द एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. जो साइक्लिक एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इट इज गिवन एंगल ए 4y + 20 डिग्री, एंगल बी 3y - 5 डिग्री, एंगल सी 4x डिग्री एंड एंगल डी 7x + 5 डिग्री. तो यहां पे जो ये ज्योमेट्रिकल है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इन 9th क्लास यू हैव टू टॉट अबाउट दैट थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? सबसे पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है जानना जरूरी है. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसा क्वाड्रिलेटरल, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल द वर्टिसेस लाइज ऑन द सर्किल. भाई सर्किल पे तीन पार्ट होते हैं, एक एक्सटीरियर, एक इंटीरियर और एक ऑन द सर्किल. जैसे सर्किल ड्रा किया, ये एक्सटीरियर हो गया, इंटीरियर ये जो सर्कल जो सर्कमफेरेंस से पॉइंट होते हैं वो ऑन द सर्किल बोला जाता है. तो अ क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इफ इट्स ऑल द वर्टिसेस लाइज ऑन द सर्किल. जैसे ये ए बी सी डी जो वर्टिसेस हैं ये सर्किल पर है, यानी कि सर्कमफेरेंस पर है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा. इसका एक सिस्टम होता है, देखेंगे सॉल्यूशन दे रहे हैं. सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल is 180 degree. Yeah, opposite angles are supplementary. You can say about that. In a cyclic quadrilateral, opposite angles are supplementary. Supplementary means the sum of two angles is 180 degree. Okay? Therefore, angle A plus angle C 180 degree and angle B plus angle D 180 degree. Opposite A का opposite C होगा और B का opposite D होगा. तो बेटा A और C, angle A it is given 4y plus 20 degree, angle C given 4x degree is equal to 180 degree. इसको लिख सकते हैं बेटा 4x plus 4y is equal to 180 minus 20 degree. Plus 20 दर जाएगा, minus हो जाएगा. इसमें से 4 common कर लीजिए तो x plus y is equal to क्या हो गया 164 से इसको divide कर दीजिए तो 4 जा 16, यानी x plus y 40 degree. This is equation first. Okay? अब इसमें देखिए एंगल बी प्लस डी, एंगल बी इज गिवन 3y माइनस 5 डिग्री एंड एंगल डी गिवन 7x प्लस 5 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. आई थिंक दैट माइनस 5 प्लस 5 कैंसिल हो गया, इसको आप लिख सकते हैं 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये हो गया. अब बेटा प्रीवियस वीडियो मैंने आपको जो हम रिवाइज कर रहे हैं वीडियो, उसमें हमने एलिमिनेशन और सर्टेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं बताया था. तो इस क्वेश्चंस को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी सॉल्व करेंगे. यहां पे जनरली हम सॉल्व कर दे रहे हैं, देख लीजिए x plus y है तो फ्रॉम इक्वेशन देखिए यहां पे x का कोफिशिएंट 7 है, y कोफिशिएंट 3 है. यहां पे x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 1 है. तो या तो हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई करें तो y इक्वल होगा, 7 का मल्टीप्लाई करें तो x का इक्वल होगा. जो भी होगा तो लिखेंगे यहां एलिमिनेशन इजी होता है. एलिमिनेशन मल्टीप्लाइंग बाय 3 टू इक्वेशन फर्स्ट, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 120. ये इक्वेशन थर्ड हो गया. यही इक्वेशन सेकंड लिख लीजिए 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 120. और इधर लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड सेकंड. अब हमने बताया था आपको कि जब इक्वल टर्म सेम साइन में होते हैं तो उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, चाहे दोनों नेगेटिव हो चाहे दोनों पॉजिटिव हो. क्या लिखेंगे? सब्ट्रैक्टिंग. सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो माइनस माइनस ये माइनस ये उड़ गया बिना टिकट के, प्लस 3 माइनस 7 माइनस 4x
प्लस 120 माइनस 180 माइनस 60, ओके, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 60 अपॉन 4 यानी 15 डिग्री, x वैल्यू क्या होगी बेटा 15 डिग्री। अब हम इधर सॉल्व कर लें, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 डिग्री, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 40 माइनस x डिग्री, तो y इज इक्वल टू 40 माइनस 15 एंड y कितना हो गया 25, y क्या हो गया 25। अब बेटा एंगल ए निकाल रहे, एंगल ए है 2y प्लस 20, 2 इंटू 25 प्लस 20, ध्यान दीजिएगा 50 प्लस 20, तो एंगल ए हो गया 70 डिग्री, ठीक। एंगल बी निकाल लीजिए, एंगल बी है 3y माइनस 5, 3 इंटू 25 माइनस 5, 75 माइनस 5 यानी एंगल बी हो गया 70 डिग्री। एंगल सी है 4x डिग्री, एंगल सी 4 इंटू 15 हो जाएगा, एंगल सी हो गया 60 डिग्री, ठीक है। ध्यान दीजिए और यहां पे देखिए हो गया ना 50 25 70 हो गया। अब a प्लस सी आपका होना चाहिए 180 डिग्री का, लेकिन यहां तो 70 हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है देख लेते हैं। ये देखिए हमने मल्टीप्लाई किया, इसमें 3x 3y 120 हो गया, तो यहां पे 60 आ गया, यहां 4x x की वैल्यू 15 आ गई, जब x की वैल्यू 15 आ गई तो सही है, और ये 4y प्लस 20 हो गया, सॉरी एंगल ए 4y प्लस 20 है बेटा, हमने प्रॉब्लम लिख दिया है, तो लिखा है ये हो जाएगा आपका 100, ये हो जाएगा 120। कैसे हमने चेक किया, चेक इसलिए किया क्योंकि एंगल सी 60 का था, यहाँ कम आ रहा था, क्योंकि तो दोनों का सम 180 होना चाहिए, कि दिमाग में रखना चाहिए कि अगर गलतियां होती है तो हमारा दिमाग बार बार स्ट्राइक करता है कि हाँ कुछ गलत हो रहा है, दिमाग में चलना चाहिए ना कि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। अब देखिए एंगल डी निकाल लीजिए, एंगल डी क्या है 7x प्लस 5, 7 इंटू 15 प्लस 5, ध्यान दीजिए बेटा, या 105 प्लस 5 यानी 110 एंगल डी। अब देखिए एंगल डी 110 का हो गया और एंगल बी 70 का, दोनों का ऐड 180 डिग्री, तो जब क्वेश्चन सॉल्व करना है दिमाग में होना चाहिए तो बी और डी 110 और 70, ठीक है, इस तरीके से इनका सम 180 हो गया इनका सम। अब देखिए यहां गलती हो रहा था, दिमाग ने स्ट्राइक किया कि इन दोनों का सम तो 180 होना चाहिए, कहीं कहीं क्वेश्चन गलत है, गलती पकड़ गई, यहाँ 4 था हमने 2 लिखा हुआ था। तो इस तरीके से बेटा जो आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो गलतियां होंगी भी तो आपके दिमाग में आ जाएगा हाँ यहाँ गलतियां हो रही, ठीक है, ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अब हम अगला क्वेश्चन किसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, मान लीजिए ये दो ही इक्वेशन था x plus y is equal to 40 और 7x plus 3y is equal to 180। अब इसी इक्वेशंस को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम न्यू चैप्टर को शुरू करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए अरे इसको मिटा दे, कोई बात नहीं, तो पहले लिखा ही था, देखिए बेटा इसको आप लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस 40 इक्वल टू 0 और इसको लिख सकते हैं 7x प्लस 3y माइनस 180 इक्वल टू 0, ठीक है। अब कंपेयरिंग, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड बता रहा है, क्रॉस मेथड, ठीक है, तो कंपेयरिंग दीज इक्वेशंस विथ ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो, आई फाउंड क्या हुआ, ए वन वन है, बी वन वन है और सी वन माइनस 40 है, ए टू सेवन है, बी टू थ्री है और सी टू माइनस 180, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड के लिए बेटा हमने बता रखा है सीधे आप क्या करना है x अपान बी से शुरू करना है, बी वन बी टू सी वन सी टू और फिर सी वन सी टू ए वन ए टू, फिर वन अपान ए वन ए टू बी वन बी टू।
अब इसका क्या है, ध्यान दीजिएगा, क्या करते हैं, x अपॉन बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन इज इक्वल टू y अपॉन सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन, ये सी टू है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसके मल्टीप्लाई, ये इसके साथ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ, इज इक्वल टू वन अपॉन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, इस तरह लिखने से ये आपको याद हो जाएगा, बी सी ए वन बी सी ए बी, बी शुरू करना है, बी खत्म करना है, तो इस फॉर्मूले को आप आराम से आप वैल्यू आप रखना है, माइनस का ध्यान रखिएगा, विशेष प्लस माइनस का, बी वन सी टू, बी वन वन है इंटू सी टू माइनस 180 ब्रैकेट में कर लीजिए, माइनस बी टू है 3 इंटू सी वन है माइनस 40 ठीक, y अपॉन सी वन ए टू, सी वन है माइनस 40 इंटू ए टू है 1 सॉरी 7 माइनस सी टू ए वन, सी टू माइनस 180 इंटू ए वन है 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन ए वन है 1 और B2 है 3 माइनस A2 है 7 और B2 है 1, A2 B1, B1 है 1, तो ये वैल्यूज रखना ध्यान से, अब उसके बाद आराम से आप कर सकते हैं, x अपान माइनस 180 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 120 इज इक्वल टू y अपान माइनस 280 प्लस 180 इज इक्वल टू 1 अपान 3 माइनस 7, अब बेटा ये x अपान माइनस 60 इज इक्वल टू वाई अपान क्या हो जाएगा, माइनस 100 इज इक्वल टू 1 अपान माइनस 4, अब देखो इसको ऐसे कर लेंगे, x अपान माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 1 अपान 4 एंड y अपान माइनस 100 इज इक्वल टू माइनस 1 अपान 4, कर सकते हैं, ये भी इसके इक्वल होगा, ये भी इसके इक्वल, तो x इज इक्वल टू जब माइनस वहां जाएगा तो माइनस 1 इंटू माइनस 60 अपान 4 एंड y इक्वल टू माइनस 1 इंटू माइनस 100 अपॉन 4, देखिए आराम से हो गया, x इज इक्वल टू 60 अपॉन 4 एंड y इज इक्वल टू 100 अपॉन 4, देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई और y की वैल्यू 25 आ गई, आगे ना वैल्यू इसके पहले मैं समझाया, तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है, ओके बेटा, तो इस तरीके से आपको यही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यही तैयार करना है, अब इसमें गलतियां क्या होती हैं, ये माइनस प्लस का ही गलती होगा, तो थोड़ा आप ध्यान रखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, वो एक क्वेश्चन और है, हम उसको समझा देंगे, मतलब इक्वेशन बना देंगे, आप लगा लीजिएगा, कुछ है नहीं, आप कर सकते हैं, यू कैन डू ईच एंड एवरी थिंग्स इफ यू वांट, बिकॉज हम पहले बता रखे हैं कि गिरते हैं शख्स वार ही मैदान जंग में, वह शख्स क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, फाइंड टू नंबर्स हूज सम इज, लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई, आप लिख लीजिएगा कि लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई, तो क्या हो जाएगा बेटा, एक्स प्लस वाई 75 है एंड वेयर, यहां लिख दीजिएगा वेयर एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो एक्स माइनस वाई 15 हो गया, ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मतलब एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आता है तो 45 प्लस 3 45 प्लस 30 75 45 माइनस 30 50 तो आ सकता है, लेकिन जब इसको आप सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए, ये इक्वेशन सेकंड, इस टाइप के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी आते हैं 4 मार्क्स में 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है, तो इतना आज के लिए, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, आगे कुछ है नहीं इसमें, ऐड करेंगे अब डायरेक्ट में सॉल्व ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा 2x = 80 हो जाएगा 90 x की वैल्यू 45 आ जाएगी और फिर किसी भी नतीजे का आंसर आ जाएगा, तो आई होप आप सॉल्व कर लेंगे, अगर आप मन से पढ़ रहे हैं आपको वीडियो समझ में आ रहा है आप अच्छे से पढ़िए, आई होप आपको अच्छे समझ में आए, भगवान करें आपको समझ में आए, बट स्टे होम एंड स्टे सेफ, जब आप घर में रहेंगे तो सेफ रहेंगे, घर के बाहर निकलेंगे तो प्रॉब्लम होने लगेगी, ठीक है बेटा, और आई विश टू गॉड यू हैव टू सेफ ऑलवेज इन योर होम विद योर फैमिली विद योर पेरेंट्स, ओके, एंड ओबे योर पेरेंट्स ओबे योर एल्डर्स एंड स्टे सेफ, स्टे होम, अच्छे से रहिए, घर में रहिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ नई चीजों के साथ, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।